पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद हारिस अली है। मेरी क्वालिफिकेशंस BDS, RDS और इसके अलावा इम्प्लांट की स्पेशलाइजेशन और ब्रेसिस की स्पेशलाइजेशन है। करंटली मैं एंडोडोंटिक की स्पेशलाइजेशन भी अंडरगो कर रहा हूँ। मेरी जो करंट प्रैक्टिसिंग लोकेशन है शाम के वक्त, वो है हिदायत बीबी हॉस्पिटल, खन्नापुर रोड। इसके अलावा मॉर्निंग में मैं रवात जावा रोड पे अलमदीना डेंटल केयर सेंटर पे काम करता हूँ, और इसके अलावा मनक्याला में अलमदीना डेंटल केयर की भी ब्रांच है जहाँ पे मैं 1 या 2 आवर्स हर रोज़ लगाता हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है फिलिंग्स और रूट कैनाल्स। फिलिंग्स तो एक बहुत ही आम प्रोसीजर है जिसके अंदर जो नॉर्मली पेशेंट हमारे पास पेन लेके आता है वो ये है कि ठंडा गर्म खाने पे टी सूटती है और वो जो दर्द है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर चला जाता है। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं फिलिंग्स के, पेस्ट वाली फिलिंग्स आ जाती हैं और लेज़र वाली फिलिंग्स आ जाती हैं। पेस्ट वाली फिलिंग को हम जो यूजुअली अपनी ज़बान में कहते हैं वो है ग्लास आइनोमर सीमेंट फिलिंग्स। पूरे इन्फेक्टेड दांत को साफ करके फिलिंग की जगह बना के फिलिंग उसके अंदर पोर कर दी जाती है। ये है हमारे पास ग्लास आइनोमर सीमेंट का। और फिर हम यूजुअली कहते हैं कि जी 48 घंटे के लिए आपने इस साइड से नहीं खाना, ताकि अगर उस फिलिंग में थूक लग जाए तो उस फिलिंग की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए 48 घंटे उस जगह से खाना खाना, उस पर प्रेशर डालना, ये अवॉइड करना होता है ताकि वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ निकाल सके। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है मगर उसकी लाइफ ज़्यादा है, साथ में उसकी गारंटी भी काफ़ी है, वो है कॉम्पोजिट फिलिंग्स या जैसे आप जबान में कहा जाता है लेज़र फिलिंग्स। इसके अंदर पहले दांत को साफ किया जाता है, फिर उस दांत की सरफेस को एच किया जाता है, एच करने के बाद सुखाया, बॉन्डिंग एजेंट लगाया, उसके बाद फिलिंग ऊपर रख के लेज़र से क्योर कर दिया जाता है। इस क्योरिंग प्रोसेस के थ्रू सारा थूक और जगह साफ की जाती है जिसके अंदर फिलिंग की लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। और ये है कि ये फिलिंग उसी वक्त सख्त हो जाती है। सख्त होने की वजह से और थूक कम लगने की वजह से इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। सीमेंट वाली फिलिंग फिर भी जोर लगा या आपने ख्याल ना रखा निकल सकती है। लेज़र वाली फिलिंग की लाइफ और उसकी गारंटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू ग्लास आइनोमर फिलिंग्स। इसके बाद हम बात आ जाती है, अगर आपका कीड़ा गहरा है और आपको दर्द अगर होता है, ठंडा पानी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, दर्द शदीद हुआ, गले में फैला या ऊपर तक फैला गनपटी तक, और वो दर्द 10 सेकंड से ज़्यादा रहा, या आप लेटते हैं खुद ब खुद ही दर्द शुरू हो जाता है, ये एक साफ साफ निशानी है रूट कैनाल की। और अगर हालात बहुत ही बुरे हैं एक्सट्रैक्शन की, मतलब दांत निकलवाना, इसलिए हमेशा रूट कैनाल का अगर आपको कोई डॉक्टर कह रहा है उससे लाजमी ये कहें प्लीज़ मेरा एक्सरे कर लें या मुझे किसी ऐसी जगह भेज दें जहाँ एक्सरे अवेलेबल हो ताकि मैं आपके पास ले आऊँ एक्सरे। ऐसा ना हो दांत निकलने वाला हो, उसकी रूट कैनाल कर दी हो, 2-3 महीने बाद पता चले पूरा दांत ही फ्रैक्चर हुआ हुआ है बीच में से। हमेशा इतने लंबे प्रोसेस करवाने से पहले एक्सरे करवाएं। एक्सरे आपका हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा कीड़ा बहुत गहरा है, दांत डेड करना पड़ेगा या रूट कैनाल करनी पड़ेगी। रूट कैनाल के लिए 2 से 3 बार आना होता है। काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जिनमें एक ही विजिट में रूट कैनाल फाइनल कर दी जाती है। मैं अपने क्लिनिक में 2 बार या 3 बार मरीज़ को 2-2 दिन के वक्फे के साथ लाजमी बुलाता हूँ ताकि मुझे ये तसल्ली हो कि रेशा या पस या कोई भी इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और पेशेंट को दर्द नहीं रहा। फिर जाके मैं रूट कैनाल फाइनल करता हूँ जिसके अंदर हम जड़ को पूरा साफ करके उसे सुखा के उसके अंदर हम फिर फिलिंग डालते हैं जो एक रबर मटेरियल की होती है जैसे हम गट्टा पर्चा कहते हैं, और फिर उसके ऊपर हम वही ग्लास वाली ग्लास आइनोमर से फिलिंग डाल देते हैं या कॉम्पोजिट फिलिंग डाल देते हैं। अब अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपका दांत कमज़ोर है, रूट केनाल तो ओके हो गई है, मगर कैप लाजमी करवाइएगा। लाजमी 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने कैप करवाना है। वो दांत डेड हो चुका है, डेड होने की वजह से अब आपके जिस्म ने उसे रिपेयर नहीं करना, आपकी अपनी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखें या किसी डॉक्टर से कहें इस पे कैप लगाए ताकि इस दांत की पूरी लाइफ निकल सके प्रॉपरली। अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे उस पे खाना लगेगा, उस पे जरासीम लगेंगे, उस पे आप कोई भी सख्त चीज़ खाएंगे वो भी जो है प्रेशर उस पे डालेगी। प्रेशर डालने की वजह से दांत मज़ीद कमज़ोर होगा,
जाहिर सी बात है कि अगर उसमें वही फिलिंग जो आर्टिफिशियल है, वही रूट केनाल जो आर्टिफिशियल है, उसने लाइफ इतनी नहीं निकालनी, इसलिए बेहतर है कैप करवाया जाए। कैप की भी काफ़ी किस्में होती हैं, जो सबसे बेसिक है वो होता है मेटल पोर्सिलिन क्राउन्स, उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, हर डॉक्टर की अपनी प्रेफरेंस होती है क्वालिटी की। इसके थ्रू दांत की लाइफ एटलीस्ट 5 से 6 साल बढ़ सकती है, अगर आपकी रूट केनाल ओके हुई भी हो। और उससे भी अगर आप कहते हैं कि रंग की मैचिंग हमें चाहिए, हमें दांत की लाइफ का इतना नहीं है, उसके लिए फिर आते हैं जिरकोनिया क्राउन्स। जिरकोनिया क्राउन्स में लोहे की जो काली आउटलाइन होती है वो नहीं होती, 100% मैचिंग होती है। जिरकोनिया क्राउन्स, पोर्सलिन मेटल क्राउन्स, ये सारे क्राउन्स हमारे पास बहुत आराम से अवेलेबल हैं सबके लिए। इसके अलावा अगर आपने क्राउन ना करवाया और दांत फेल हो गया, उसमें पस दोबारा बन सकती है, उसमें इन्फेक्शन दोबारा आ सकता है, या वो दांत ही पूरा टूट सकता है, आपको शायद कुछ फील ना हो, मगर वो इन्फेक्शन बनता रहेगा, क्योंकि वो एरिया डेड कर दिया गया था, वहाँ पे इतना अच्छा नर्व सप्लाई नहीं रहा, उस दांत को निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लाजमी अगर आप रूट केनाल करवाते हैं, प्लीज़ डिले मत करें उस पे क्राउन करवाना, अगर आपके डेंटल सर्जन ने कहा है कि इस पे क्राउन होगा, क्योंकि अगर वो दांत फेल हो गया, वो डेंटल सर्जन की ज़िम्मेदारी नहीं, फिर वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए लाजमी अपने रूट किनाल वाले दांतों को या फिलिंग वाले दांतों को रेगुलरली डेंटल सर्जन को चेक करवा लें, महीने बाद चेक करवाएं या हर हफ्ते बाद चेक करवाएं लाजमी, ताकि उन्हें भी आइडिया हो कि इस पे मज़ीद कोई काम होने वाला तो नहीं है। कभी भी खुले दांत को या इन्फेक्टेड दांत को ऐसे आप नहीं छोड़ सकते, उसमें खाना गारंटी है जाएगा, उसमें जरासीम गारंटी है जाएंगे, रेशा बढ़ेगा उसमें, लाजमी उसका इलाज करवाएं, क्योंकि अगर वो दांत फेल हो गया और वो निकलवाने वाली हालत पे आ गया, वो दांत दोबारा वापस नहीं लग सकता। आप इम्प्लांट लगवा लें, वो फीलिंग नहीं रहेगी, आप फिक्स दांत लगवा लें, वो फीलिंग नहीं रहेगी। कुदरती दांत अगर आप बचा सकते हैं और आपका डेंटल सर्जन कह रहा है जी बचाएं, निकलवाने से बेहतर है क्यों ना इलाज करवा लिया जाए। अपनी सेहत का और अपने दांतों का लाजमी ख्याल रखें, अगर आपके दांतों में कीड़ा है या इन्फेक्शन है, देरी बिल्कुल ना करें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।